नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं TCS कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी किया होगा टाटा कंसल्टेंट सर्विस लिमिटेड में के शेयरों में निवेश, तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से काम कर रही कंपनी टाटा कंसल्टेंट सर्विस अपने Q2 रिजल्ट जारी कर दिए हैं। जी हाँ, क्यूटी रिजल्ट के जारी कर दिए हैं। बता दें FY24 के क्यूटी के रिजल्ट में टाटा कंसल्टेंट सर्विस के प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। जी हाँ, बढ़त देखने को मिली है। बता दें कंपनी के कंसल्टेंटी नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 9% की बढ़त आई है। जी हाँ, 9% की बढ़त आई है। FY24 के Q2 में कंपनी का प्रॉफिट 11,342 करोड़ रुपए रहा है। जी हाँ, एक साल पहले Q2 में कंपनी का प्रॉफिट 10,431 करोड़ रुपया था। जी हाँ, और वहीं कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़त आई है। FY24 के Q2 में कंपनी के रेवेन्यू सालाना आधार पर 8% की बढ़त आई है। FY24 के Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 59,692 करोड़ रुपया रहा। इसके साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़त आई है। बता दें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.1% की बढ़त के साथ 14,483 करोड़ रुपया रहा है। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 0.25% की बढ़त के साथ 24.3% पर पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, इसका हम चलिए फंडामेंटल में नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर इसकी हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, 12,96,020 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 3,542 रुपया इसका चल रहा है। जी हाँ, इसकी हाई की बात करें तो 52 वीक हाई की तो 3,680 रुपया, इसकी लो की बात करें तो 3,052 रुपया। और स्टॉक पी की बात करें तो 29 रुपया, बुक वैल्यू की बात करें तो 275 रुपया। डिविडेंड ये 1.35% देती है। ROCE भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 58.7% की है। ROE 46.9% की, इसकी फेस वैल्यू 1 रुपया। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको मैंने सेल्स कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। जी हाँ, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अब इसका सेल्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ, आप देख ले 1,91,754 था 2022 में, लेकिन अभी के टाइम जो चल रहा है 2,36,464। इसका एक्सपेंसेस भी थोड़ा बढ़ा जब सेल्स बढ़ा, 1,74,393। कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 60,354 करोड़ के प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44,819 करोड़ के प्रॉफिट में। जी हाँ, कंपाउंड सेल्स की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 13% है, 5 ईयर में 13% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 9% है, 5 ईयर में 13% है, 5 ईयर में 10%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 ईयर में 8% है, 1 ईयर का 14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा जाए तो लास्ट ईयर 47% है और 3 ईयर्स 43% है। जी हाँ, अगर हम इसके बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं, रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, 1,315 करोड़ का रिजर्व है कंपनी पर। बोरोज इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं लेखा, 7,764 करोड़ का बोरो ले रखा। लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी कंपनी के पास 46,495 करोड़ की है। और असेस्ट की बात करें तो असेस्ट कंपनी के पास 89,881 करोड़ का असेस्ट है। जी हाँ कंपनी, चलिए दोस्तों हम शेयर होल्डर पैटर्न पर नज़र डालें। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 72.3% की शेयर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। FI के पास 12.46% की शेयर होल्डिंग है और DI के पास 9.80% की शेयर होल्डिंग है। गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सेदारी है 0.05%। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 5.38% की शेयर होल्डिंग है। जबरदस्त TCS कंपनी का जबरदस्त प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है और अपने निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न इन्होंने दिया है। जी हाँ, चलिए इसको हम चैट पे भी नज़र डालेंगे, चैट पे भी नज़र डालते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी खासी है, आप इसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। शेयर प्राइस पे ना जाए, लेकिन शेयर पर अच्छी अच्छी कंपनी पे ही निवेश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस पर चैट पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, मैंने चैट ओपन कर लिया, चैट ओपन कर लिया है। तो वनडे के चैट में इन्होंने अपने निवेशकों को वनडे में -1.85% का लॉस दिया। जी हाँ, 8 दिनों में अगर हम 5 डेज का चैट ओपन करें तो 5 डेज में भी निवेशकों को लॉस हुआ -1.46।
अगर 1 मंथ का चार्ट हम ओपन कर लें तो 1 मंथ में भी निवेशकों को 0.71% की लॉस हुआ है। अगर 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में कंपनी को निवेशकों को प्रॉफिट हुआ 11.11% का। अगर हम 1 ईयर का चार्ट हम ओपन कर लें तो 1 ईयर में इन्होंने अपने निवेशकों को 14.17% का प्रॉफिट दिया। अगर हम 5 ईयर का चार्ट हम ओपन कर लें तो 5 ईयर में इन्होंने अपने निवेशकों को 85.19% का प्रॉफिट दिया। जी हाँ, अगर ऑल टाइम की चैट हम ओपन करें तो ऑल टाइम में इन्होंने अपने निवेशकों को 2,844.40% का प्रॉफिट दिया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी है। दोस्तों, कंपनी काफ़ी फंडामेंटल मजबूत है और आने वाले समय में और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए ना बेचने के लिए। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अगर निवेश करते हैं तो खुद सलाह से आप और अपने लीगल एडवाइज़र जरूर सलाह लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।